बॉडी 2D मोल्ड में हमने क्रिएट कर दिया फ्रंट साइड का, तो हम इसका टॉप साइड का भी, टॉप साइड से भी इसको हम बनाते हैं। अभी ये हमारा फ्रंट साइड मोल्ड बेस, अब हम इसको फ्रंट साइड टॉप साइड से बनाते हैं। स्केच एक्स वाई प्लेन, ओके। अब एक्स वाई प्लेन में भी हम कोर कैविटी का अब लेंथ डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हमने वहाँ पे कोर कैविटी का थिकनेस और विड्थ उसका डिसाइड कर लिया है, अब यहाँ से हम इसका लेंथ डिसाइड करेंगे कि कितना कोर कैविटी का लेंथ रखना है। अब दोनों साइड सेंटर टू सेंटर इसको अलाइनमेंट कर दिए, और इसके बाद जो हमारा विड्थ था, जब हम विड्थ बनाया उसका 250 था, तो यहाँ पे हमने 250 विड्थ दे दिए, तो हमारा ये टच हो गया इसे, ओके। अब लेंथ देना है, तो लेंथ हम इसका भी राउंड फिगर लेंथ देंगे। लेंथ हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी इसमें हमको हमारा क्या क्या ऑपरेशन इसमें आएगा वो सब तमाम चीज़ों को डाल के इसके बाद हम इसका लेंथ डिसाइड करेंगे। तो पहले इसमें हम गाइड पिन हम इसमें ऐड करते हैं, 4 गाइड पिन हो गया। ये चारों को हम एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइनमेंट देते हैं। सेंटर टू सेंटर वर्टिकल अलाइनमेंट, सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। इसके बाद जब इसका हम, अभी तो ये हमारा बोरिंग डायमीटर हो गया, इसके बाद इसका कॉलर डायमीटर 38। और इसके बाद इसका पिन मेल जो आएगा वो आएगा हमारा 26। ये गाइड पिन हम क्रिएट कर रहे हैं, जब 3D बनाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा इसका प्रोसेस। अब हम यहाँ पे जो बोरिंग डायमीटर है 32 का, इसको एज टू एज हम यहाँ पे कम से कम 10 से 12 mm, मिनिमम 10 mm तक रखते हैं, यहाँ पे हम 12 mm रखते हैं, 10 से कम नहीं होना चाहिए। एज टू एज हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसिस का नहीं कर रहे हैं, हम एज जो बोरिंग डायमीटर है हमारा 32 का, वो एज टू एज जो है हमारा मिनिमम 10 mm होना चाहिए, हमने 12 mm रखते हैं। इसी तरह सबको हम यहाँ पे अलाइनमेंट कर देते हैं, एज टू एज 12 mm, एज टू एज 12 mm। अभी भी हमारा स्केच 1/8 डायमेंशन दिखा रहा है, इसका मतलब कोई एक और हमारा वर्किंग है। अच्छा ओके, इसका हमें लेंथ डिसाइड करना है। अभी हमारा कैविटी में ऑपरेशन में गाइड पिन आ गया, दूसरा इसमें हमारा आएगा इजेक्टर प्लेट में रिटेन पिन आता है, इजेक्टर पिन का रिटेन पिन आएगा, और उसमें इसके बाद हमारा आएगा इंटरलॉक भी आएगा। तो इंटरलॉक हम सेंटर में 32 का इंटरलॉक देते हैं दोनों साइड। गाइड पिन हमारे पूरे मोल्ड बेस को गाइड करने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए, कोर कैविटी दोनों को अलाइनमेंट करने के लिए हम गाइड पिन प्रोवाइड कराते हैं। और इंटरलॉक हम क्या करते हैं, इंटरलॉक जो है हमारे आर्टिकल को अलाइनमेंट देता है, ताकि हमारा शिफ्टिंग का प्रॉब्लम ना आए, पार्टी लाइन जो हमारे पार्ट्स में, क्योंकि कोई भी डाई जो है हमारा दो पार्ट्स में होता है, जैसे यही हम आर्टिकल बनाते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में बनाते हैं, एक पार्ट्स में आधा, एक कैविटी में आधा पार्ट्स रहता है, एक कोर में आधा पार्ट्स रहता है, दोनों को जब हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो उसका पार्टी लाइन जो है वो शिफ्ट ना हो, इसके लिए हम इसमें इंटरलॉक प्रोवाइड कराते हैं। और मोल्ड बेस को अलाइनमेंट करने के लिए गाइड पिन डालते हैं, तो यहाँ से हम इसका डिस्टेंस दे देंगे 150। इसके बाद अब हम देखेंगे तो इसका हम डिस्टेंस यहाँ पे दे सकते हैं 400 है, 350 अगर देखेंगे 350, इसको 150 से हम 140, ये चीजें हो गई। हमारा गाइड पिन भी आ गया, इसमें इंटरलॉक भी आ गया, और यहाँ पे हमारा रिटेन पिन आ जाएगा, और बाकी चीजें जो रहेंगी रनर हमारा आ जाएगा, वो तमाम चीजें आ जाएंगी। तो हमारा लॉक होता है, ये कोर कैविटी का जो लेंथ है वो 350। इसके बाद इसको करते हैं ओके। अब इसका हम 3D बनाते हैं।